बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं बारकली और आप देख रहे हैं टूर एंड टेस्ट। उम्मीद करता हूं अल्लाह के करम और फजल के साथ आप सब खैरियत से होंगे। तो टूर एंड टेस्ट में आज हम आप लोगों के लिए लेके एक मज़ेदार सी रेसिपी, और आज हम बनाएंगे विलेज स्टाइल देसी मुर्ग हांडी, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत ही कम अज्जा इस्तेमाल होते हैं और बहुत ही मज़े की तैयार होती है। आप इसे बड़ी आसानी के साथ जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि विलेज स्टाइल देसी मुर्ग हांडी जो है किस तरह तैयार होगी और उसके लिए हम कौन कौन से अज्जा इस्तेमाल करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देसी मुर्गा हांडी के लिए मुर्गा हमने पकड़ लिया, अभी इसको करते हैं ज़िबा। और घर में मुर्गे रखने का ये फ़ायदा हो जाता है, जब दिल चाहे पकड़ा और ज़िबा किया और खाया। पीछे जाओ आप, पीछे। बिस्मिल्लाह, मुर्गे को ज़िबा हमने कर लिया और अभी इसके पर उतार के जो है इसे साफ कर लेते हैं। मुर्गे के पर जो है वो हम दो तरीके से साफ कर सकते हैं, इनको हम गर्म पानी में डाल के भी इसको साफ़ कर सकते हैं और इसके अलावा इसके पर जो है वैसे भी उखाड़ सकते हैं। वैसे उखाड़ने में ज़रा थोड़ा टाइम जो है वो ज़्यादा लगता है, मगर वैसे भी ये अच्छी तरह साफ हो जाता है। हाँ जी, मुर्गे के पर उतार के इसे हमने साफ कर लिए। क्या हुआ, नंगा हो गया, चेंज क्यों हो रही है इसकी? जिया फातिमा कह रही है मुर्गा जो है वो हमारा नंगा हो गया और इसकी चेंज क्यों हो रही है। बिस्मिल्लाह, तो चलिए देसी मुर्गा हांडी जो है बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हांडी में डालेंगे मुर्गा का गोश्त। बिस्मिल्लाह, हांडी में गोश्त डालने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे पानी। बिस्मिल्लाह, चूल्हे में आग हमने जला लिया और अभी हांडी को रखते हैं चूल्हे पे। बिस्मिल्लाह, अभी हम काट लेते हैं प्याज। बिस्मिल्लाह, प्याज को काटने के बाद हम हांडी में डाल लेंगे। अभी हम काट लेंगे सब्ज मिर्च। बिस्मिल्लाह, अभी हम हांडी में डालेंगे टमाटर, और टमाटर हम साबुत ही डाल लेंगे इसमें। अभी हम हांडी में डाल लेते हैं सब्ज मिर्च। बिस्मिल्लाह, अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लेंगे। अभी हम कूट लेते हैं अदरक, और अदरक को कूटने से पहले हमने काट लिए। अदरक के साथ ही हम कूट लेंगे लहसुन। बिस्मिल्लाह, अभी हम हांडी में डाल लेते हैं कूटा हुआ अदरक और लहसुन। बिस्मिल्लाह, अभी हम हांडी में डाल लेते हैं नमक। बिस्मिल्लाह, हल्दी पाउडर, सुरख मिर्च। हांडी में मसाला ज़्यादा डालने के बाद एक दफ़ा हलाएँगे।
और अभी हम देसी मुर्गानी को तकरीबन 30 मिनट के लिए दरमियानी सी आंच पे जो है वो पका लेंगे। देसी मुर्गानी को तकरीबन 30 मिनट के लिए ढाप पे पका लिया और अभी ढक्कन खोल के चेक करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो खुशबू जो है बहुत ही मज़े की और पानी जो है वो भी काफ़ी हद तक इसमें से खुश्क हो चुका है। और अभी हम इसे खुला रख के मज़ीद जो है वो इसमें से पानी जो है खुश कर लेते हैं। अभी हम हांडी में डाल लेते हैं कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल जो है वो हमने शुरू में नहीं डाला था, अभी डाल लेंगे। ऑयल डालने के बाद अभी हम देसी मुर्गी हांडी को अच्छी तरह भून लेंगे ताकि हमारी देसी मुर्गी की हांडी जो है ज़बरदस्ती और मज़ेदार सी तैयार हो जाए। मुर्ग को हमने अच्छी तरह भून लिया और मुर्ग ने ऑयल जो है वो छोड़ना शुरू कर दिया। माशाल्लाह हमारा मुर्ग जो है बहुत ही ज़बरदस्त भुन गया और इस तरह भुना हुआ जो है वो भी खाने को काफ़ी दिल चाहता है, मगर हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसकी ग्रेवी जो है वो बना लेंगे। बिस्मिल्लाह। पानी डालने के बाद एक दफ़ा हलाएंगे और इसके बाद दोबारा ऊपर से डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए मज़ीद हम इसे डांप के पका लेंगे। बिस्मिल्लाह। पानी डालने के बाद मज़ीद थोड़ी देर के लिए हमने इसे पका लिया तो माशाल्लाह हमारी देसी मुर्गी हांडी जो है वो ज़बरदस्त तैयार हो गई है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी विलेज स्टाइल देसी मुर्गी हांडी जो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई। अभी हम इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा सब्ज़ धनिया, थोड़ी सी स्लाइस में कटी हुई सब्ज़ मिर्च, थोड़े से अदरक के स्लाइस और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे मिक्स गरम मसाला। इसको हाथ से मसल के डालेंगे ताकि इसकी खुशबू जो है वो अच्छी तरह हांडी के अंदर फैल जाए। एक दफ़ा हला लेंगे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह खुशबू और रंगत जो है वो लाजवाब। और अभी हम आपको देसी मुर्गी हांडी जो है प्लेट में निकाल के दिखाते हैं। बिस्मिल्लाह। प्लेट को भी हम थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे, सब्ज़ धनिया थोड़ा सा डाल लेंगे, अदरक के स्लाइस। तो माशाल्लाह ये हमारी विलेज स्टाइल देसी मुर्गी हांडी जो है बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई, रंगत भी माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है। आप भी इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई और इसका जायका कैसा रहा। और अभी हम आपको देसी मुर्गी हांडी जो है वो टेस्ट करके बताते हैं। हाँ जी अब जी, विलेज स्टाइल देसी मुर्गी हांडी कैसी तैयार हुई? माशाल्लाह बहुत बेहतरीन, बहुत जायकेदार। हाँ जी बेटा जी, मुर्गी हांडी का मजा आया? हाँ जी अब जी, बहुत मजा आया। जी बेटे को भी मजा आया? बहुत। तो माशाल्लाह माशाल्लाह जी, हमारी देसी मुर्गी हांडी जो है बहुत ही जबरदस्त तैयार हुई। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो जो पसंद आएगी। पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त अहबाब के साथ और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुंच जाए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। सदा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।